दोस्तों, आज हम हमारे देश के एक बहुत ही दयनीय मुद्दे पर बात कर रहे हैं। भारतीय इतिहास का बहुत ही मतलब कि कलेजे को छलनी कर देने वाला ऐसी परंपरा चलती थी, जिसको बताते हुए शायद मुझे शर्म आ रही हो और शायद तुम लोगों को भी सुनते हुए शर्म आ जाएगी, लेकिन ऐसी परंपराएं चलती आ रही थी हमारे देश के अंदर। और उन सबको हटाने में कहते हैं कि अंग्रेजों का भी बहुत योगदान रहा है और हमारे देश के काफी समाज सुधारक भी रहे हैं, उनका भी बहुत योगदान रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मतलब परंपराएं इतने हद तक बिगड़ी हुई थी हमारे देश के। मैं ये नहीं कह रहा कि अपना देश बिल्कुल खराब था, ये सब कुछ मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन आप देख सकते हो कि मैं जिस टॉपिक के ऊपर अब बात करने जा रहा हूं बहुत ही सहनशील मुद्दा है भाई। और ये जो टॉपिक जो मैं आज बात करने जा रहा हूं, आप अपने एंसर राइटिंग के अंदर, मेंस के अंदर आराम से रिजर्वेशन वाले क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हो, तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे उससे, क्योंकि बहुत ही खतरनाक पॉइंट मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और थोड़ा सा सुनने में भी और मतलब सोचकर ही आदमी नाखुश सा हो जाता है, ऐसा टॉपिक है। तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल को, उसके बाद हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। हाँ, तो भाई देखो, जैसे कि हम लोग सभी नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग हैं और हमने जब से बचपन से जब से बड़े हुए हैं, हमने रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं की क्या सुनी है, कहानी सुनी है। ऐसे ही आपको आज कहानी सुनने के लिए मिलेंगी इस लेक्चर के अंदर, पूरे लेक्चर के अंदर, जो कि साउथ इंडिया के अंदर कुछ एक वीरांगनाएं थी, उनके बारे में आज कुछ जानने को मिलेगा। बहुत ही सहनशील मुद्दा है, क्या है ना कि पहले के जमाने में क्या, ये जो घटना है ना, ये 1900 के बाद तक की घटना है। और आप सोच सकते हो 1900 तक ऐसा कुछ चलता आ रहा था। देखना, अब आपको खुद को विश्वास नहीं होगा, ऐसा कुछ होता था। क्या होते थे, समाज हमारा काफी प्राचीन समय से ही दो हिस्सों में बटा आ रहा है, एक हायर कास्टेस, एक लोअर कास्टेस, जिसको आज हम इरेडिकेट या फिर उसको हटाने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। सरकार भी पूरा काम करती है उसके ऊपर और ये बहुत सही भी है। तो 1900 तक देखे हैं, अपन चलते हैं साउथ इंडिया के अंदर। साउथ इंडिया के अंदर एक स्टेट है केरल। कौन सा स्टेट है? केरल स्टेट। केरल स्टेट के त्रावणकोर एक रीजन है। कौन सा रीजन है? ये रीजन, अब तो चलो अपना जो कंट्री है वो स्टेट्स के अंदर डिवाइड हो गया, पहला इसका अपना एक किंगडम था, पूरा साम्राज्य था त्रावणकोर का। हम हिस्ट्री के अंदर काफी जानकारी भी लेंगे इसके ऊपर, लेकिन मैं बता दूं आपको कि जो ये मुद्दा था ना त्रावणकोर का, बहुत ही सहनशील मुद्दा था और इसके ऊपर आज अपन बात करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन किस हद तक हो सकता है, वो मैंने मतलब जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को ऐसा मतलब देखते ही रोंगटे से खड़े हो गए मेरे, कि मतलब ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, वो भी भारत जैसी कंट्री के अंदर। मतलब बिलीव नहीं होगा आपको एक बार। तो देखो, दो टाइप के डिस्क्रिमिनेशन थे। तो भाई पहला फर्स्ट डिस्क्रिमिनेशन तो किया जाता था लोअर कास्टेस के, जो मैन थे, मेल था उसके साथ, और दूसरा टाइप का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था फीमेल के साथ। तो मेल के साथ कौन सा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था और फीमेल के साथ कौन सा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उसके बारे में हम बात करते हैं। यह था कि जब भी मेल बाहर निकलेगा सोसाइटी के अंदर जैसे ही वो बाहर की तरफ जाएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक टैक्स देना पड़ेगा, और उस टैक्स का नाम था हेड टैक्स। क्या हेड टैक्स? हेड टैक्स का मतलब था कि कोई भी पब्लिक, अपन उसके अंदर चलते हैं,
तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, सर को झुकाकर चलना पड़ेगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड जो पॉइंट था वो था फीमेल का। चलो मेल का तो जमता है भाई, हो भी जाए कि सर झुका के चलेंगे। हेड टैक्स था कि अपर कास्ट के लोगों को टैक्स देना पड़ेगा आपको, अगर आप उनके सामने सर झुका के नहीं चले तो। वो जमता है, काफी हद तक जमता है कि भाई डोमिनेंट तो थी सोसाइटी, हमें पता है। लेकिन जब हमने फीमेल का एक वो पढ़ा, फीमेल के बारे में पढ़ा, सच बता रहा हूं मतलब अंदर से अजीब सी संवेदना टाइप अलग ही माहौल सा बन गया। और वो देखो क्या है कि उस टाइम पे जो केरल के त्रावणकोर की जो महिलाएं थी उसके अंदर एक तो लोअर कास्ट के अंदर आती थी नादर, और एक आती थी अपनी नांजेली जिसको अजेवा कास्टिस बोलते थे। ये अजेवा कास्ट की एक महिला है नांजेली, जिसकी गाथाएं साउथ इंडिया के लोग, मतलब बच्चे होते हैं ना वो गाथाएं सुन सुन कर ही बड़े होते हैं, जैसे कि हम नॉर्थ इंडिया के लोग रानी लक्ष्मीबाई की सुनते हुए बड़े होते हैं, उसी प्रकार से नॉर्थ इंडिया के साउथ इंडिया के लोग किसकी कहानी सुनते हैं, नांजेली। अब भाई मुद्दा इतना संवेदनशील था कि इसमें क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं लोअर कास्टेस की महिलाएं होती हैं वो अपने जो पेट होता है इससे ऊपर कपड़े कवर नहीं कर सकती, कपड़े नहीं ढक सकती। आप सोच रहे होगे मतलब ये कैसा रूल था, अगर कोई महिला लोअर कास्ट की अगर ऊपर क्या रख ले, कपड़े रख ले, तो उसको क्या भरना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा, उसको अपर कास्ट के लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। मतलब अपर कास्ट के लोग नहीं थे, गुंडे टाइप के लोग थे, वो आते थे और उनसे क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे। मतलब इतनी दयनीय स्थिति थी कि मतलब कोई महिला बाहर निकलने से कतराती थी, अगर वो पब्लिक प्लेस के अंदर जाती है तो उसको विदाउट कपड़े जाना पड़ेगा। और इस रूल को कहते थे ब्रेस्ट टैक्स, स्तन कर, कि स्तन के ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं ढकेगी कोई भी वुमेन। मतलब इतनी घटिया परंपरा अपने इंडिया के अंदर चलती थी, मैं खुद हताश सा रह गया यार, ये मतलब हो क्या रहा है इंडिया के अंदर भी। इंडिया एक ऐसा कंट्री यार जिसको रिलीजियस कंट्री मानते हैं बहुत सारे धर्म, मतलब ऐसा था, इससे तो ना होना ही। ब्रेस्ट टैक्स, अब भाई क्या हुआ, अब इसको एक महिला अजेवा समाज की, उसने इसका विरोध किया, उसने कहा कि भाई मैं तो ऐसे बाहर नहीं जा सकती, पब्लिक पैलेस पर ऐसे नहीं जा सकती, मैं तो कपड़े पहन कर जाऊंगी। अब जैसे उसने विरोध किया, बाहर निकली कपड़े पहन के, पब्लिक पैलेस पे गई, लोगों ने देखा ये तो लोअर कास्ट की, बाहर मतलब बिना कपड़ों के कैसे, कपड़े पहन के कैसे आ गई। उच्च वर्ग की जो महिलाएं थी ना, वुमेन्स थी, उन्होंने कर दिया कि मतलब विरोध कर दिया कि ये निम्न वर्ग की लोअर कास्ट की महिला कपड़े पहनकर बाहर निकली है। तो भाई वहां के जो इस किंगडम के जो साम्राज्य के जो किंग थे, उन्होंने अपने जो गुंडे टाइप होते ना जो कि हफ्ता वसूल वगैरह करते हैं, ऐसे लोग थे, उनको भेजा कि जाओ टैक्स वसूल करके लेके आओ उनसे, उससे। तो अब जो इस ये जो महिला थी इसके पास गए वो, तो इस महिला ने जो किया ना, मैं बताने से भी डर रहा हूं, आप सोच नहीं पाओगे मतलब कितनी खतरनाक वाली सिचुएशन बन गई थी इसके सामने। नांजेली नाम की महिला है, आप इसको आराम से गूगल पे सर्च कर सकते हो, बहुत खतरनाक कहानी है इसके ऊपर। तो नांजेली नाम की महिला है, इस महिला ने कहा कि देखो मैं टैक्स तो नहीं दूंगी, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब इसको
फोर्स किया गया, इसके ऊपर अत्याचार किए गए। तो ये महिला बोली ठीक है मैं अंदर जाती हूँ। वो अंदर गई और जो इसने किया ना, मतलब बहुत ही खतरनाक। इसने क्या किया, चाकू लेकर अपने दोनों स्तन को काटकर और थाली के अंदर उनके सामने परोस दिया। मतलब दोनों के जो भी वसूलने आए थे ना, टैक्स वसूलने आए थे, उनके रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या कर दिया इसने। और उनके खून इतना ज्यादा बहने लगा, मतलब जिसके कारण उसका खून इतना ज्यादा बहने लगा कि कुछ ही घंटों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब जैसे उसकी मृत्यु हुई ना, उसकी मृत्यु के बाद कुछ एक हिस्टोरियंस ऐसा कहते हैं और कुछ एक नहीं भी मानते कि इसके पति ने इसकी चिता के साथ आग में कूद गया। मतलब उसने भी उसने सती प्रथा के जस्ट अपोजिट काम किया। अब देख सकते हो ये इतिहास की घटना है, और इतिहास भी क्या करेगा, 1900 के समथिंग की घटना थी। मतलब इतना घटिया समाज, सोच रहे हो कहां तक गिरा हुआ है। दूसरा नंबर का नादर। कौन नादर? ये वो कास्ट है जो आज के जमाने में ओबीसी जिसे बोलते हैं, मतलब आज प्रेजेंट में जिसे ओबीसी बोलते हैं, उसे नादर कहा जाता था। इनके अंदर भी ये बहुत ज्यादा प्रचलन हो रहा था कि कोई भी लड़की अपने शरीर के ऊपर कपड़े नहीं पहनेगी। तो दो महिलाएं नादर समाज की, जो कि कह सकते हैं नादर कास्ट की, उन दोनों महिलाओं ने इससे परेशान होकर फांसी लगा ली, सुसाइड कर ली। अब जैसे उन्होंने सुसाइड किया ना, तो लोगों के मन में भी कुछ तो हुआ होगा, रिवोल्ट हुआ होगा ना। और इनका बलिदान तब जाके लोगों को समझ में आया कि ये सब तो बहुत ज्यादा गलत है यार, इसको तो हटाना चाहिए। तो उसके बाद लोगों ने इसे, इसके ऊपर कुछ नियम और कानून बनाए, और उसके बाद त्रावणकोर की महिलाएं आज सेफली से रह पा रही हैं। तो समझ पा रहे हो कैसी स्थिति थी अपनी कुछ एक साल पहले। मतलब समाज यार हद करता है। और ये आप डिस्क्रिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हमेशा बनता है, आपको पता है। अगर आप ऐसे पॉइंट्स रखते हो, ऐसे एग्जांपल्स रखते हो, नांजली जैसे ये नादर की जो दो महिलाएं हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स रखते हो, रिजर्वेशन के अंदर भी काफी हद तक काम आ सकते हैं कि रिजर्वेशन क्यों रखना चाहिए। उन भाइयों को बताता हूँ जो बोलते हैं ना कि रिजर्वेशन के कारण आज ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो बड़े भाई इसलिए लगाया था रिजर्वेशन, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में भीमराव अम्बेडकर चीख चीख कर रिजर्वेशन की मांग कर रहे थे। ये था रीजन। ये अब तुम खुद बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, रिजर्वेशन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। नहीं, मुद्दा थोड़ा सहनशील है पर बताना तो पड़ेगा। चलो, तो अगर लेक्चर आपको पसंद आए ना, तो सब्सक्राइब करके जाना और इसको शेयर कर देना। आगे अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। यूपीएससी के प्रोस्पेक्टस से हम पढ़ेंगे यहाँ पर, तो एसएससी और यूपीएससी और एनटीपीसी जैसे एग्जाम के लिए भी अपन गाइड करते रहेंगे। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।